हेलो एवरीवन, चलिए कैसे आप लोग? हाँ लोग ठीक ही होंगे, लेकिन आपसे एक शिकायत है, आप होमवर्क बना नहीं रहे हैं। हम लोग जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बैक टू बैक और व्हाट्सएप वगैरह पे भी सेंड कर रहे हैं कि प्लीज डू योर होमवर्क, प्लीज डू योर होमवर्क, लेकिन कभी किसी का होमवर्क आ नहीं रहा है। मतलब आ रहा है, बहुत कम में आ रहा है होमवर्क। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना होमवर्क बनाइए। देखिए, घर पे बैठने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। आप हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बुक्स निकालिए, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी। चलिए, जिनके पास बुक नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो बुक कर सकते हो ना, बाकी सब तो भैया दीदी होते ही होंगे, तो उनसे आप बुक ले सकते हो। तो आप गूगल प्ले से बुक डाउनलोड करो, गूगल प्ले से बुक डाउनलोड करने के बाद होमवर्क बनाओ, क्योंकि होमवर्क बनाओगे तभी। मैथ क्या है? मैथ आपका प्रैक्टिस का चीज़ है। आप मेरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, चाहे किसी का भी वीडियो देख लेने से आपको लगेगा कि आपको मैथ आ गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैथ का वीडियो देखने के बाद उस पर 2-3 घंटा जब तक उसका क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते हैं, जब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा। तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस एनी हाउ। आप फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है वीडियो देख करके नोट्स बना लेते, चलिए थोड़ा बहुत उससे आप सीख सकते हैं। उसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें भी बनाने की जरूरत पड़ता है, उसमें भी रिविजन की जरूरत पड़ता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। लेकिन मैथ में आप सोचेगा कि वीडियो देख लिए और हम प्रैक्टिस नहीं किए तो हम सीख गए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैथ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। तो बच्चों, थोड़ा सा वर्क एफर्ट लगाइए, आप बुक डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चन बनाने के बाद जो क्वेश्चन दिक्कत होता है, आपका व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो दिया हुआ है थंबनेल पे, व्हाट्सअप नंबर पूछिए या फिर ग्रुप बना हुआ है आपका, ग्रुप में मैसेज कीजिए, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन किया जाएगा, है ना। तो बनाइए क्वेश्चन, है ना। तो चलिए, अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? हमारा लास्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फोर पॉलीनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा पॉलीनोमियल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग क्लास 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद है? डिवीजर, डिवाइडेंड, कोसेंट, है ना यार। बस वही चीज को हम लोगों को करना है। करना क्या है कि जैसे आपको हम, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 7 को 40 से डिवाइड करते हैं, 7 क्या करते हैं 40 से डिवाइड करते हैं, तो कितना बचा? 5 times 35 कितना बचा? 5 बच गया, है ना। तो क्या कहना था कि वेरीफाई करना था डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना था, क्या लिखते थे हम? 40 = 7 × 5 + 5 यही था ना, 7 × 5 + 5। यानी इस, ये क्या था हमारा? ये था हमारा क्या था? ये था हमारा डिवाइडेंड। 7 क्या है हमारा? डिवीजर। क्या हमारा? डिवीजर। 5 क्या हमारा? क्वेश्चेंट। और ये 5 क्या हमारा? रिमाइंडर। हाँ, याद आ रहा है। यानी कि जो हम 7 से 40 को डिवाइड करते थे, 35 यानी 5 बचता था, यानी कि 40 = 7 × 5 + 5, यानी इसको हम लोग को वेरीफाई करना होता था। तो हम क्या लिखते थे कि डिवाइडेंड इजकल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही एल्गोरिथम यहाँ पे है, आप चेक कर लीजिए, यही एल्गोरिथम यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये हमारा अर्थमेटिक में था, ये हमारा क्या चीज में था? अर्थमेटिक में था। यही अब हमारा कन्वर्ट हो गया क्या चीज में? पॉलीनोमियल में कन्वर्ट हो गया है। यही हमारा क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? पॉलीनोमियल में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि अगर f(x) g(x) कोई पॉलीनोमियल है, ठीक है, यानी कि f(x) कोई पॉलीनोमियल है, है ना। तो f(x) कोई पॉलीनोमियल है, g(x) कोई पॉलीनोमियल है, तो f(x) = डायरेक्ट यहां पे हम ये लिख दिए, एक्सप्रेशन लिए कि f(x) = g(x), यानी g(x) कहने का मतलब क्या है कि अगर जिस इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आएगा क्या है? g(x) और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? r(x). यानी कोई भी एक पॉलीनोमियल को किसी एक पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं, g नहीं q, हां, कोई भी एक पॉलीनोमियल को कोई एक पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा तो कोसेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। और जब हमको उसको वेरीफाई करना होगा तो हम इस तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि f(x) = g(x) * q(x) + r(x), है ना। यही आपको, यही डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन एल्गोरिथम कोई नया नहीं है। तो कहोगे सर ये तो हम क्लास 5 में पढ़ चुके हैं, तो हाँ बस वही है, क्लास 5 वाला चीज है आपको, है ना। तो क्या करना है, क्या यदि f(x) कोई पॉलीनोमियल है और इसको कोई अदर पॉलीनोमियल से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। और उसको जब हमको वेरीफाई करना होता है, f(x) = g(x) * q(x) + r(x) करेंगे, और ये करने के बाद अगर हमारा f(x) उस पॉलीनोमियल के बराबर आ जाता है तो हमारा वो वेरीफाई हो गया। जिस तरह से यहाँ पे डिविजर इंटू क्वेश्चेंट करते थे, डिविजर इंटू क्वेश्चेंट करते थे प्लस रिमाइंडर करते थे, तो वो डिवाइडेंट, डिवाइडेंट नहीं, यहाँ पे डी होता है, डिवाइडेंट होता है ना, डिवाइडेंट। डिवाइडेंट के अगर बराबर आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है?
डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे, ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया अर्थमेटिक के लिए और डिवीजन एल्गोरिथम हो गया क्या ये पॉलीनोमियल के लिए। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको वेरीफाई भी करते हैं ना। अच्छा एक चीज में और हम मेंशन किए हुए हैं कि वेयर आर एक्स इक्वल टू जीरो, इस बात को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर आर एक्स इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि हमारा रिमाइंडर या तो जीरो होगा, हमारे रिमाइंडर या तो क्या होगा जीरो होगा, या तो जितना डिग्री आर एक्स का है उससे बड़ा होगा जी एक्स का डिग्री। कहने का मतलब है ये देखिए, अगर जी ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं है ना, तो या तो ये जीरो बचेगा या तो रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो कब, जब वो फैक्टर होगा ना पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर, पूरी तरह से डिवाइड हो जाने रिमाइंडर जीरो बचे उसको फैक्टर बोलते हैं ना, याद है ना। हाँ तो अगर जी ऑफ एक्स से इसको डिवाइड करें तो या तो रिमाइंडर जीरो बचेगा और या तो जीरो नहीं बचेगा, तो हमेशा इसका जो डिग्री रहेगा इससे कम रहेगा, इसका जो डिग्री रहेगा वो इससे क्या रहेगा कम रहेगा। एक चीज को समझिए फिर से, यानी कि अगर हम एक्स क्यू से डिवाइड कर रहे हैं कोई भी चीज को, जो भी मटेरियल है इसको हम एक्स क्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर आ सकता है जीरो आ सकता है, या भी कोई भी कांस्टेंट आ सकता है पाँच छः सात कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है यानी कि या तो कांस्टेंट टर्म आ सकता है, या तो एक्स पे पावर वन आ सकता है, या तो एक्स पे पावर दो आ सकता है, एक्स पे पावर तीन नहीं आ सकता है, एक्स पे पावर तीन कभी नहीं आ सकता रिमाइंडर में। क्यों, क्योंकि अगर एक्स पे पावर तीन आएगा तो हम एक बार और इसको लगा सकते हैं, एक्स पावर तीन आएगा तो क्या करेंगे इसमें हम एक बार और लगा सकते हैं, इसलिए यही बोला जा रहा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स इसका जो डिग्री होगा, इसका जो डिग्री होगा वो हमेशा कम होगा किसके, डिग्री ऑफ जी एक्स से, इससे इसका डिग्री क्या होगा हमेशा कम होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। अरे डिवीजन एल्गोरिथम वाला देखो ना, कांस्टेंट वाला, जैसे ये हम ले लेते हैं 19, ठीक है कितना बार चार बार में 16 4, तो इससे ये हमेशा कम है कि नहीं है, है ना, तीन हमेशा चार से कम रहेगा कि नहीं कम रहेगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर हमेशा कम होना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट रखना, डिवाइड जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर हमेशा क्या रहे कम रहना चाहिए, अगर रिमाइंडर ज्यादा होगा तो एक बार और हम लगा सकते हैं उसको, उसी तरह से यहाँ पे ये बात किया गया। चलिए तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई करते हैं, तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं डिवाइड, क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम डायरेक्ट, डिवाइड 3 - x + 2x² by 2 - x and verify the division algorithm. यानी कि डिवाइड करना है हमको 3 - x + 2x² by 2 - x, इसको इससे डिवाइड करना है और हमको वेरीफाई करना है ना, डिवीजन एल्गोरिथम का क्या करना है वेरीफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो कुछ नया काम नहीं है, हम लोग इसको क्या करेंगे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब होता है जिसका डिग्री ज्यादा होता है उसको पहले रखना होता है, जिसका डिग्री ज्यादा होगा उसको हम लोग पहले रखेंगे। इसमें किसका डिग्री ज्यादा है, इसमें डिग्री ज्यादा है एफ ऑफ एक्स को हम लिख लेते हैं अच्छे से, डिग्री ज्यादा है 2x² - x + 3, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अच्छा जी एक्स को भी हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा पहले कॉन्स्टेंट को टर्म लिखा जाता है, हमेशा किसको किस टर्म को लिखा जाता है कॉन्स्टेंट टर्म को लिखा जाता है, इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस टू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर हम डिवाइड करते हैं -x + 2 2x² - x + 3, है ना, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम लगेगा बच्चों बताओ, तो -2x² में, हाँ वेरी गुड, -2x² में इसको हम लगाते हैं तो -2x - -x + x² सही है, +(-)(2)4x, क्लियर है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 3x आ गया, +3 आ गया, है ना, 4x में से x के 3 + 3, तो अब इसको कितना बार में लगा सकते हैं हम लोग, इसको लगा सकते हैं +3, यानी कि -3 बार में लगा सकते हैं, है ना, -3 × -x - 3 +3x - -3 × 6, क्या कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये हमारा प्लस, ये हो गया हमारा क्या माइनस, ये तो टर्म कैंसिल आउट हो गया था, हमारा बचा क्या 9 बचा, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 9, तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसको हम लिखना चाहें इसको इधर ही लिख लो, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है
2x² - x + 3, क्यू ऑफ एक्स आ गया हमारे पास -2x - 3 और rx आ गया हमारे पास 9। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन द डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या था वेरिफिकेशन में, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स आ जाए हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं LHS, इसको मान लेते हैं RHS। तो LHS तो हमारा दिया हुआ है, हमको क्या कंसिडर करना है, सिर्फ RHS। चलिए RHS को लेते हैं डायरेक्ट, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब बताइए बच्चों, जी ऑफ एक्स कहाँ गया, जी ऑफ एक्स ये है -x + 2, क्यू ऑफ एक्स कहाँ गया, क्यू ऑफ एक्स ये है हमारा -2x - 3 प्लस 9, है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -2x³ + 3x, ये आपका हो गया कितना, -4x और 3 जा -6 + 9, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -x - 6 + 9, -6 + 9 क्या है, +3। तो क्या एफ एक्स एफ ऑफ एक्स है, हाँ देखो है ना, एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, यानी क्या आ गया हमारा LHS, यानी LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया, है ना। वेरीफाइड ED लिख दो, यानी वेरीफाई, इसका कहने का मतलब क्या होता है, ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, है कि नहीं, है ना। तो हम लोग आज डिवीजन एल्गोरिथम में ये क्या क्या सीखे, अभी हम लोग इसको क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या क्या सीखे, डिवीजन एल्गोरिथम फिर पॉलीनोमियल में, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द टू पॉलीनोमियल, देन वी फाइंड पॉलीनोमियल क्यू एक्स प्लस आर एक्स सच दैट, हमारा सबस्टिट्यूट क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इनटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहां आर ऑफ एक्स का डिग्री हमारा क्या होगा, आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ क्यू आर एक्स से ग्रेटर देन हमारा होगा डिग्री ऑफ क्यू एक्स। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन था हमारा कि डिवाइड 3 - x + 2x² / 2 - x एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, फिर एक -x + 2 से इसको डिवाइड किए। डिवाइड करना बहुत ईजी है बच्चों, आप लोग बहुत बार कर चुके हैं, एक बार फिर से ये समझा देते हैं। -x से 2x² पे लाना है तो -2x² में लगाएंगे, ये जो मल्टीप्लाई होगा 2x² आ गया +2 - 2x + -4x, है ना। इसको सॉल्व किए, प्लस माइनस कैंसिल आउट, +4x - 6 गया तो 3x + 3 - 3 बार में लगाएंगे क्योंकि -± हो जाता है, +3x - 6 - - कैंसिल, प्लस हमारा क्या हो गया 9 हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, पॉज करना है। इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इनटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स, तो हम लोग क्या ले लिए डायरेक्ट। चलिए बच्चों तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे में हमारा एक टॉपिक आता है कि इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ये आपको टर्म पता है जीरो किसे कहते हैं, जीरो हमारा वो चीज है, यानी अल्फा हमारा वो चीज है जो किसी पॉलीनोमियल में अगर x जगह पे अल्फा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है ना। तो इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल देन एफ ऑफ एक्स देन एक्स माइनस अल्फा इज द डिविजर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस चीज को हम लोग अच्छे समझते हैं। मान लिया जाए अगर हमारे पास एक पॉलीनोमियल लेते हैं x² + 5x + क्या है 6 है, x² + 5x + 6 है, इज दैट क्लियर। इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आता है x + 2 x + 3, ठीक है, यहां तक फैक्टराइज किए। अगर इसको हमको जीरो निकालना है तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, यानी अल्फा इक्वल टू हो गया आपका -2 और बीटा हो गया आपका क्या -3, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या थी, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये अब अल्फा इज जीरो, यानी ये हमारा जीरो है, ये हमारा क्या है जीरो है, अल्फा इक्वल टू -2 हमारा क्या है जीरो है। जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है पॉलीनोमियल है, कहीं ना कहीं यही पॉलीनोमियल हमारा, कि अगर हमारा एक पॉलीनोमियल है उसका जीरो हमारा क्या है -2 है देन x माइनस अल्फा, यानी कि अगर x = α 0 है तो x - α हमारा क्या होगा उसका
डिविजर यानी कि x माइनस अल्फा से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये एज ए फैक्टर की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा? एज ए फैक्टर। फैक्टर क्या होता है बच्चों? जो उस चीज को पूरी तरह से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उस चीज को पूरी तरह से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। यानी कि हम यहाँ पे ये समझे, तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कोई पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस f ऑफ x प्लस 5 है, इसको हम लोग फैक्टराइज किए तो हमारे पास ये आया। फैक्टराइज करने के बाद x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 2, यानी x का जो वैल्यू माइनस 2 आया, x का वैल्यू जो माइनस 2 आया, इसको हम इधर लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये वाला चीज, ये चीज इससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, x प्लस 2 से इस पॉलीनोमियल पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, यहाँ से भी जो हमारा आएगा इसको इधर लिखेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी इससे ये पूरी तरह से इधर डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो आप छोटा सा अगर कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हो तो आप यहीं पे कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम फैक्टराइज किए तो हमारे पास x प्लस 2 x प्लस 3 है, तो क्या ये x प्लस 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। क्या ये x प्लस 3 से डिवाइड होगा? तो आराम से होगा। ये हमारा अगला स्टेप दिया हुआ, ये क्या क्या हुआ, अगला स्टेप दिया हुआ, तो बस यही जान लीजिए कि फैक्टराइज करेंगे तो दिया हुआ है। चलिए इसको हम एक लाइन में बता देना चाहते हैं सिर्फ, इसको हम एक लाइन बताते हैं, एक लाइन में ये बताते हैं कि अगर f ऑफ x कोई पॉलीनोमियल है, ठीक है, उसका जीरो क्या हमारा अल्फा, अगर जीरो है उसका जीरो क्या है अल्फा, जीरो है तो x माइनस अल्फा से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। x माइनस अल्फा से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे क्यू एक्स कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, इट बीइंग गिवन, ये दिया हुआ है कि वन यानी ये इज जीरो ऑफ पॉलीनोमियल इसका, अच्छा इसका जीरो एक दिया हुआ है, इसका जीरो एक दिया हुआ है, फाइंड इट्स अदर जीरो, तो यहाँ पे जीरो होगा, फाइंड इट्स अदर जीरो। आपको बच्चों हम बताए हैं कि x पे जितना पावर है, जितना डिग्री है, उसका मैक्सिमम जीरो उतना ही होगा। सबसे पहले इस पॉलीनोमियल की तरफ अगर हम देखते हैं, 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6 है, तो बताइए x पे मैक्सिमम पावर कितना है, x पे मैक्सिमम पावर हमको 3 दिख रहा है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम जीरो यानी अधिकतम से अधिकतम जीरो 3 जीरो हो सकता है। मैक्सिमम जीरो कितना होगा, 3 जीरो इसका होगा। अब वो 3 जीरो को हम लोग को फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरो, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन दैट 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी कि एक जीरो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वी हैव टू फाइंड आउट अदर टू जीरो, वी हैव टू फाइंड आउट अदर टू जीरो, हम लोग को दो जीरो और पता करना है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या क्या वर्क करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर अल्फा हमारा पॉलीनोमियल का जीरो है, यानी x माइनस अल्फा इज डिविजर ऑफ f ऑफ x, यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल वन इज क्या है आपका जीरो है, अगर वन आपका जीरो है देन x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x ही लिखते हैं, पॉलीनोमियल ऑफ f ऑफ x है ना। पहले लाइन तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, पहले लाइन हमारा क्या लिख सकते हैं कि अगर वन इज जीरो ऑफ f ऑफ x यानी पॉलीनोमियल का वन जीरो है तो x माइनस वन इस कंडीशन के अनुसार, उस कंडीशन के अनुसार x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर फैक्टर इसको डिवाइड कर दो, तुरंत क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, x माइनस वन से अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले बच्चों इसको क्या लाइए, फॉर्म में लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6। चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम मिलेगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा हमारा, है ना, माइनस माइनस प्लस एक्स, चलिए ठीक है, तो हो गया माइनस ही हो गया प्लस, कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से हमारा माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस 7x भी लिखा जाएगा, हमको माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करना है तो हम यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर में लगाएंगे हम, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइनस प्लस, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया आपका 6x माइनस 6, अच्छा तो 6 बार में डायरेक्ट लग जाएगा, कौन सा प्लस 6 बार में लगेगा, तो 6x ये आपका हो गया कैंसिल आउट, जीरो आ गया। इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 आपका क्या है, से वो पूरी तरह से डिवाइड है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से क्या है, पूरी तरह से डिवाइड है। तो आप थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर लीजिए, थोड़ा सा क्या यूज कर लीजिए, डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं
एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इजकल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब बताइए यहाँ पर रिमाइंडर तो जीरो है, तो आर ऑफ एक्स लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा जी ऑफ एक्स इतना हो गया एक्स माइनस वन, क्यू ऑफ एक्स कितना हो गया ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स। क्या इसको हम फैक्टराइज करें बच्चों, इसको हम फैक्टराइज करें तो ऐसा करते हैं ना, उसमें से हम माइनस पहले कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस छः, है ना। तो अब हमारे पास हो गया, या फिर माइनस कॉमन नहीं भी निकाले तो भी चलेगा, माइनस कॉमन निकालने की वैसे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग आप लोग फैक्टराइज किए हैं तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से क्या लिखते हैं, इसको इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आ जाए और सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आपका क्या आ जाए माइनस एक्स आ जाए। तो अगर हम इसे कॉमन लेते हैं माइनस एक्स, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस थ्री, है ना, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x प्लस थ्री। और यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो भी हमारे पास क्या बचेगा x प्लस थ्री, माइनस एक्स कॉमन लिए माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स बचेगा माइनस एक्स इंटू थ्री माइनस थ्री एक्स, टू कॉमन लिए एक्स प्लस थ्री, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो। तो अब हमारे पास हो गया x माइनस वन इंटू इसको माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये आपका तीन टाइप का फॉर्म हो गया, ये आपका क्या बन गया तीन फॉर्मेशन बन गया। तो यही आपका तीन फैक्टर में ले आया है, ये हमारा क्या ले आया है तीन फैक्टर में ले आया। अगर आप तीन फैक्टर में ले आए एक्स क्यू था, एक्स क्यू को हम तीन फैक्टर में ले आए तो यहाँ से जीरो निकालना क्या हो गया काफ़ी ईजी हो गया। अब उनको उसको जीरो निकालना है तो जीरो निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको जीरो के बराबर कीजिए एक्स इक्वल टू वन पहला जीरो, उसको जीरो के बराबर कीजिए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू यानी एक्स इक्वल टू दूसरा जीरो आ गया, उसको जीरो के बराबर कीजिए यानी आपका ये तीन जीरो आ गया, ये आपका तीन जीरो आ गया जिसमें से पहला जीरो आपको गिवन ही था, जिसमें पहला जीरो आपको क्या था गिवन था। तो एक्स इक्वल टू टू आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री आ गया, यानी कि अब आप लोग को जीरो निकालने का मेथड पता चल गया, आपको करना क्या है जीरो निकालने के लिए हर एक क्वेश्चन में। अभी आने वाला तो अभी तो एक्स पे क्यू ही नहीं चले हैं, अभी हम लोग एक्स पे पावर फोर भी चलेंगे, एक्स पे पावर फाइव भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल से फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करना, एकदम सिंपल तरह से क्या करना है इसको फॉर्मुलेट करना, सिंपल तरह से फॉर्मुलेट क्या करना है कि क्वेश्चन जो भी दिया हुआ रहेगा आपको जीरो एक या दो जीरो मेंशन रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि इस क्वेश्चन का एक जीरो आपका वन है तो अदर दो जीरो फाइंड आउट करना है। सारे प्रोसीजर में यही, सारे क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, एकदम फिर से ध्यान से देख लीजिए इसको। तो ये पॉलीनोमियल है, ये उसका जीरो है, वन इज जीरो ऑफ पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स, तो एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, फैक्टर बोलो या डिविजर बोलो बराबर, यानी कि एफ ऑफ एक्स से ये डिवाइड हो जाएगा। अब एक्स माइनस वन से पॉलीनोमियल को डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस वन से क्या करेंगे पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन। तो हम लोग को ये पहले से पता है कि रिमाइंडर जीरो आने वाला है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हमारा बनाया हुआ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो कहीं ना कहीं बनाया हुआ हमारा कैलकुलेशन क्या गलत है। तो ये हमारा जीरो आ गया रिमाइंडर कैलकुलेशन के, तो ये आ गया हमारे पास। थोड़ा सा डिविजन एल्गोरिथम को देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, डिविजन एल्गोरिथम तो यही होता है, लेकिन चूंकि आर ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है जीरो के बराबर है तो इसको हमको लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो हमारा चीज़ कभी चेंज नहीं होगा। तो हमारा जी ऑफ एक्स था क्यू ऑफ एक्स ये था, अब क्यू ऑफ एक्स ये आ गया तो इसको हम क्या किए फैक्टराइज किए, इसको हम क्या किए फैक्टराइज, फैक्टराइज करने पे हमारा कुछ इसको इस तरह से आया। अब जैसे ये फैक्टराइज के टर्म में आ गया तो हम इसको हम जीरो आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कोई भी हमारा पॉलीनोमियल फैक्टराइज के टर्म में आ जाता है तो उसका जीरो निकालना बहुत ईजी है। एक्स माइनस वन को जीरो की इक्विवेलेंट कर दो, जीरो निकालना ना, तो एक्स माइनस वन को जीरो का इक्विवेलेंट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू वन, एक्स माइनस एक्स प्लस टू को जीरो का इक्विवेलेंट कर देंगे तो माइनस एक्स टू माइनस टू यानी एक्स का वैल्यू टू, और एक्स प्लस थ्री को जीरो का इक्विवेलेंट करेंगे तो एक्स का वैल्यू तीन। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं अल्फा इजकल टू वन, बीटा इजकल टू टू और गामा इजकल टू माइनस थ्री, तो आपका दो जीरो यहाँ से फाइंड आउट हो गया। इसको आप लिख दीजिए हेंस
द जीरोज आर 1, 2, and 3 बस 1, 2, and 3। चलिए बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमको मेंशन कर दिए हैं, ये 20 ऑफ द पॉलीनोमियल x पे पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड द अदर 20, देन फाइंड द अदर 20। तो बच्चों आपको प्रोसीजर पहले बता चुके हैं। प्रोसीजर क्या होता है कि अगर आपको फैक्टर दिया, अगर आपको जीरो दिया हुआ है तो उससे आप फैक्टर को पता कीजिए। फैक्टर को पता करने के बाद उस फैक्टर से पॉलीनोमियल को डिवाइड कीजिए। जो डिवाइड करने के बाद कोसेंट आया उसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद जो कुछ भी आपका आ रहा हो तो आपको जीरो पता चल गया, है ना। तो फिर से प्रोसीजर को हम एक एक करके फॉलो करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा 2+√3 फैक्टर है, 2+√3 फैक्टर है ना। इसको या फिर इस तरह से लिख लीजिए ना कि उसको मान लेते हैं हम अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अभी थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ये लेट सपोजिट हो गया हमारा अल्फा और ये लेट सपोजिट हमारा क्या हो गया बीटा। अल्फा इज फैक्टर, सॉरी अल्फा इज जीरो। अगर अल्फा जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, है ना। और बीटा भी जीरो है तो x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ये भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस अल्फा से भी पॉलीनोमियल डिवाइड है, x माइनस बीटा से भी पॉलीनोमियल डिवाइड है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उससे भी तो ये डिवाइड होगा, उससे भी तो डिवाइड होगा। मान लीजिए आपको हम छोटा सा चीज लेते हैं, अगर हम 24 कर रहे हैं कि ये 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है क्या, 4 से भी डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड है और 4 से डिवाइड है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो ये 8 से भी डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है किससे भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। तो ये x माइनस अल्फा से डिवाइड है, x माइनस बीटा से भी डिवाइड है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये उससे भी डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास हो गया x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। चलिए ठीक है, अल्फा भी जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, बीटा इज जीरो तो एक्स माइनस बीटा इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ गया एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी हमारा फैक्टर हो गया। तो ये हमारा जो फैक्टर हो गया, अब हम अल्फा बीटा को वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या, बहुत सिंपल है, अल्फा बीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू 2+√3 और 2 माइनस √3 एक्स, फिर 2+√3 2 माइनस √3, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 कैंसिल आउट, 4x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 1। ये भी इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। हालांकि सॉल्यूशन करने से हम लोग यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर देंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाए हैं। आप लोग मेंशन कर दीजिएगा सॉल्यूशन करने के साथ स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स के बारे में लिख देंगे पहले, फिर अल्फा के बारे में लिख देंगे, फिर बीटा के बारे में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हमको एक चीज पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस पॉलीनोमियल का हमारा क्या है, ये एक फैक्टर है। तो अब ये फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या पता चला कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका जो फैक्टर है तो फैक्टर वाला काम भी कर लेते हैं, क्या कर देते हैं हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, है ना। तो आई थिंक बच्चों ये डिवाइड आपको आता है 138x-35, इसी को ना डिवाइड करना है कि x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 130x प्लस माइनस 35। क्या बच्चों x स्क्वायर है, कितना बार मिलेगा x स्क्वायर, x पावर 4 माइनस 4x³ माइनस प्लस क्या हो गया यहाँ पे हमारा माइनस 2x³ माइनस 26x². तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या लगने वाला है माइनस 2x, है ना, माइनस 2x लगाएंगे, माइनस 2x³ प्लस 8x², है। इसके बाद क्या हो गया हमारे पास प्लस माइनस, तो हमारे पास आ गया 34 एक्स स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 34। जाहिर सी बात है अब 34 बार में लगने वाला है, तो 34 बार में लगने वाला है तो हमारे पास क्या होगा,
अच्छा एक चीज तो हमारा छुट्टी है ना, एक्स स्क्वायर से ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास तीन टर्म है यहाँ पे, हमारे पास कितना टर्म है, तीन टर्म है। अब इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास तीन टर्म था, हमारे पास क्या आ गया, ये तो हमारा कैंसिल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया माइनस टू एक्स क्यू, माइनस टू एक्स क्यू, यहाँ पे हमारा क्या आ गया माइनस माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स, तो हमारे पास क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x, ठीक है, तो माइनस 2x क्यू, माइनस 2x क्यू माइनस माइनस प्लस 8 एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, तब हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 35 एक्स स्क्वायर और प्लस 140 एक्स, और अब हमारे पास वहाँ से आएगा माइनस 35, तो कितना टाइम लगेगा माइनस 35, है ना, तो डायरेक्ट माइनस 35 टाइम्स लग गया, तो माइनस 35 इंटू एक्स, माइनस 35 एक्स स्क्वायर, माइनस 35 यानी 140 एक्स माइनस 35, चलो ये तो पूरी तरह कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो पूरी तरह क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट। डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर क्यू ना क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर आर एक्स लिखने का जरूरत हमारे पास है नहीं क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है डायरेक्ट हम इसको क्या लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो इसका जीरो हमारा ऑलरेडी आया हुआ है बच्चों, देखो ये जो फैक्टर आया है वो वहीं से ना आया है, तो इसका जीरो हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसको हमको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप इसको भी फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, तो फैक्टर के फॉर्म में ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा चलिए इसको एक्स माइनस टू क्या है यहाँ पे टू प्लस रूट थ्री और एक्स प्लस 2 माइनस रूट थ्री, है ना, एक आपका 2 प्लस रूट थ्री एक आपका 2 माइनस रूट थ्री आ गया, इसका आ जाएगा यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, हाँ x माइनस इसका जीरो आ जाएगा x 2 प्लस रूट थ्री और इसका जीरो आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आपको पता है, इसको आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं था, हमको तो उसको फाइंड आउट करना है ना, हम लोग को तो इसको फाइंड आउट करना, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, तो ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से एक्स माइनस 2 माइनस रूट थ्री एक्स माइनस 2 प्लस रूट थ्री और यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स माइनस 7 है ना और यहाँ पे आ गया प्लस 5 एक्स माइनस 7, तो आपका जो रूट निकलने वाला है एक्स माइनस 2 माइनस रूट थ्री एक्स माइनस 2 प्लस रूट थ्री और यहाँ से आ गया एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 5, है ना, तो ये आपका चार फैक्टर का फॉर्मेट टूट गया जो कि हमारा फाइनल ये यही है हमको गेट करना था, क्या गेट करना था, यही हमको गेट करना था। अब इसके बाद जीरो निकालना नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, अब आराम से इसका हम जीरो निकाल सकते हैं, इन दोनों का जीरो निकला हुआ है, उसका जीरो हम देख लेते हैं, तो x माइनस 7 इक्वल टू जीरो यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 7, इसका वैल्यू क्या आ गया 7 और हमारे पास x आ गया x माइनस 5 इक्वल टू जीरो एक्स प्लस 5 x का वैल्यू आ गया माइनस 5, तो ये हमारा दो रिमेनिंग जीरो निकल गया, ये हमारा दो रिमेनिंग जीरो क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे तो आज डोंट थिंक कोई दिक्कत है, फिर भी मैं इसको एक बार रिकैप करूंगा, एकदम ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ऐसे भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पॉलीनोमियल से क्वेश्चन आ रहा हो और ये क्वेश्चन ना आए तो दोनों दो बात हो जाती है ना, पॉलीनोमियल से जब भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना तो ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है इस टाइप का नोट यही क्वेश्चन, तो आपके पास क्या है दो जीरो आपका गिवन है, है ना, दो जीरो गिवन है, एक एक्स पे पावर 4 पॉलीनोमियल बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसका दो जीरो आपको निकालना है, इसका दो जीरो क्या करना है आपको निकालना है, पहला काम क्या करना है, यहाँ पे तो हम नहीं मेंशन कर पाए, सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स मेंशन कर दीजिए, अल्फा मेंशन कर दीजिए, बीटा मेंशन कर दीजिए, ठीक है मेंशन कर दिए, क्या क्या है अल्फा इज जीरो एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर, बीटा इज जीरो एक्स माइनस बीटा इज फैक्टर, अब जब ये दोनों फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा फैक्टर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है तो हमारे पास ही आया और ये वही है जिसे हम लोग पॉलीनोमियल बना रहे थे, तो या तो आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि डायरेक्ट पॉलीनोमियल का फॉर्मूला लगा दीजिए, पॉलीनोमियल कैसे बनता है
है ना, डायरेक्ट पॉलीनोमियल को फॉर्म लगा दीजिए, पुट कर दीजिए, या तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, दोनों तो एक ही बात है। तो ये पॉलीनोमियल बना, अब अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये एक फैक्टर आ गया, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करें तो हमारे क्या आ गया, फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है, इस फैक्टर से पॉलीनोमियल क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करते के साथ आपको रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया देन यू आर गोइंग गुड, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया देन समथिंग इज प्रॉब्लम। तो अगर रिमाइंडर जीरो आया तो हमारे पास कोसेंट आ गया, उसके बाद हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पर वर्क किए, f of x equal to g of x into q of x, हमारे पास r of x भी होगा लेकिन हमारा r of x इसलिए नहीं लिखे क्योंकि r of x हमारा क्या है यहाँ पे जीरो है, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए। तो अब g of x का वैल्यू ये है, q of x का वैल्यू ये है, इसका हम लोग पहले से निकाला हुआ है, इसको हम लोग निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये पहले से हमारा दिया हुआ है वो, तो सिर्फ इसको अच्छे से देखने के लिए इसको भी हम लोग फैक्टर के फॉर्म में ही रख दिए ताकि हमारा दिखे ठीक से, और इसको फैक्टराइज किया, तो इसको फैक्टराइज किया तो कुछ इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन आया x माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस फाइव। अब जैसे हमारे पास पॉलीनोमियल का प्रोडक्ट फॉर्म में ले आए, पॉलीनोमियल किस फॉर्म में ले आए, प्रोडक्ट फॉर्म में ले आए, वहीं पे हमारा टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ हमको आंसर को वेरीफाई आंसर को लिखना है। तो आंसर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये आपका आंसर दिया हुआ है x माइनस सेवन, तो यहाँ से x इजकल टू सेवन, एक्स प्लस फाइव, तो यहाँ से क्या आ गया x इजकल टू माइनस फाइव, तो उसको हेंस करके लिख दीजिए, हेंस द अदर टू जीरो आर अगर 20R 7 एंड माइनस फाइव। तो इसी के साथ ये चैप्टर लगभग फिनिश होने के कगार पे है, अब फिनिश कब होगा, जब आप इसको बनाइएगा, ये अभी फिनिश नहीं हुआ, ये फिनिश तभी होगा जब इसको आप बनाइएगा, और इसके रिगार्डिंग आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे सेंड करके पूछिए या फिर कमेंट सेक्शन पूछिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप व्हाट्सएप पे ही पूछिए, नंबर आपको ऑलरेडी गिवन रहता है, फिर ये थंबनेल पे ऑलरेडी आपको गिवन है, आप जो कुछ भी डाउट वगैरह होता है आप आर्टिस्ट में यार से बनवाइए, जिससे ही बनाना आप बनाइए, जो कुछ भी आपको डाउट होता है उसको आप व्हाट्सएप पे ही पूछिए। लगभग हम लोग पॉलीनोमियल इसको फिनिश कर चुके हैं, एक चैप्टर और बनेगा शायद, अभी हम देखते हैं हम लोग आगे क्या करना है, तो इसको आप पूरा होमवर्क कंप्लीट कीजिए। चलिए थैंक यू।